इंडिया आज बहुत से सेक्टर्स में वर्ल्ड के सुपर पावर से कम्पीट कर रहा है, उसमें से एक सेक्टर स्पेस पावर भी है। इंडिया ने स्पेस डोमेन में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और चंद्रयान 3 इसका एक रीसेंट एग्जांपल है। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये शुरुआत इतनी भी आसान नहीं थी। शुरुआत के दिनों में जब इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल में थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन में ले जाया गया। ये बात थी 1963 की, जब इंडिया ने नाइट अपाचे रॉकेट को लॉन्च किया था। ये पिक्चर एक रिमाइंडर है इसरो के हार्ड वर्क और डेडिकेशन की। धीरे धीरे इसरो ने स्पेस सेक्टर में काफी कंट्रीब्यूट किया और आज हम इसी इंस्पिरेशनल जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। साइकिल से चांद तक का ये सफर हर इंडियन के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस एज की शुरुआत 1957 में हुई, जब सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुटनिक 1 को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग ने कंपटीशन का एक अनोखा दौर शुरू कर दिया यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। दोनों ही स्पेस पावर कॉन्कर करके अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहते थे। इंडिया ने स्पेस रेस में 1984 में कदम रखा, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट बने। चलिए अब बात करते हैं इसरो की। 1962 में होमी जहांगीर भाभा ने इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक लीडिंग फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना केरला में की। इंडिया का स्पेस रिसर्च की तरफ ये पहला कदम था। यहाँ से इंडिया ने काफी साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए और फर्स्ट रॉकेट था यूएस का नाइक अपाचे। 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पार को ट्रांसफॉर्म करके इसरो का गठन किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट तभी बन सकता है जब एटॉमिक एनर्जी और स्पेस में एक्सटेंसिव रिसर्च हो और उसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। इनिशियली इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर था और विक्रम साराभाई थे इसरो के फर्स्ट चेयरमैन। इंडिया का स्पेस सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए इसरो ने काफी सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया, जिसमें से एक है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये केरला में लोकेटेड है। इसका एम था लॉन्च व्हीकल्स, जिसे हम आम भाषा में रॉकेट भी कहते हैं, उन्हें डेवलप करना। 1969 में एक नया डिवीजन एस्टेब्लिश हुआ, सैटेलाइट सिस्टम डिवीजन। बाद में इसे बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया और नई यूनिट बनी इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट। इसे हेड कर रहे थे प्रोफेसर UR राव। यहाँ स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स के कंस्ट्रक्शन का काम। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके UR राव सैटेलाइट सेंटर किया। अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में अपना इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसरो के इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस की, जिन्होंने इंडिया की तस्वीर बदल दी। अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत आर्यभट्ट से की। 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। 360 kg का स्पेसक्राफ्ट एंटायरली इंडिया ने डिजाइन किया था और इस मिशन में सोवियत यूनियन ने अपना लॉन्च व्हीकल देकर इंडिया की हेल्प की थी। इस सैटेलाइट ने एक्सरे एस्ट्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इस सैटेलाइट का नाम उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 5th century के लेजेंडरी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा। ये इंडिया की पहली अनमैन्ड सैटेलाइट थी। आर्यभट्ट के लॉन्च के कुछ समय बाद ही दो एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया, जो थी भास्कर 1 1979 में और भास्कर 2 1981 में। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने नींव रखी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की, जो कि इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। IRS सैटेलाइट्स की बहुत सी एप्लीकेशंस थी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में। 1981 में एक दूसरा एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ, जो एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, एप्पल। इस लॉन्चिंग ने इंडिया के इनसेट सीरीज को इंस्पायर किया। शुरुआत की इनसेट सैटेलाइट यूएस की हेल्प से बनाई गई, लेकिन जल्द ही इंडिया इनसेट 2 को लॉन्च किया। ये इंडिया की इंडिजिनसली बिल्ड सैटेलाइट थी। इसे 10 जुलाई 1992 को लॉन्च किया गया।
आज GPS की ही तरह इंडिया का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नेविक। इसमें 7 नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं। ये मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जिसका एम है टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू नीड्स को फुलफिल करना। ये तो थी इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशनल और कम्युनिकेशनल सैटेलाइट्स की बात। अब हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के बारे में। इंडिया ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल 1980 में बनाया। इसको नाम दिया गया SLV-3। ये मिशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लीड किया। इनिशियली कुछ फेलियर्स के बाद SLV-3 ने रोहिणी 1, जो कि एक 40 kg की एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, उसे लॉन्च किया और इंडिया ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। इसके बाद डेवलप हुआ ASLV और फिर GSLV। उससे पहले हम बात करेंगे PSLV की। PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। इसके थ्रू चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटल मिशन को भी लॉन्च किया गया। लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल है GSLV। ये 1750 kg तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर कर सकता है और अर्थ से लगभग 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। GSLV क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जो ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। धीरे धीरे इसरो का फोकस प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन की तरफ भी बढ़ा। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया और ये 8 नवंबर को लूनार ऑर्बिट में एंटर किया। इस मिशन के दौरान मून इंपैक्ट प्रोब की क्रैश लैंडिंग लूनार सरफेस पर कराई गई। अगला माइलस्टोन था लॉन्च ऑफ मंगलयान। इसे 24 सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और ऐसा करने वाला इसरो वर्ल्ड का 4th ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसके बाद चंद्रयान 2 की जर्नी स्टार्ट हुई 22 जुलाई 2019 से। इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान थे। ये मिशन टोटल फेलियर नहीं था, क्योंकि लैंडर की क्रैश लैंडिंग के बाद भी ऑर्बिटल मून के ऑर्बिट में अभी भी प्रेजेंट है। फाइनली चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया और इसने वो अचीव किया जो आज तक किसी कंट्री ने नहीं किया। इंडिया मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। शुरुआत सैटेलाइट से हुई, फिर लॉन्च व्हीकल्स और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसरो ने हर फील्ड में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया।